हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम तीन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ से रिलेटेड है, जिसको अभी नलीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने। एंड सेकेंड वाला है ये है अपना जीएसटी नेटवर्क, जो है जीएसटी नेटवर्क उसने बोला है कि 15 अगस्त तक जिसने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है उनको ईवे बिल इशू नहीं होंगे। एंड जो थर्ड है ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, जो फ्लिपकार्ट और इसके फाउंडर्स हैं इनके ऊपर फाइन वगैरह से रिलेटेड एक मैटर चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड है। और एग्जाम के लिए हम इसमें देखेंगे अपना जीएसटी नेटवर्क क्या है एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टोरेट क्या है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट वन है अपना ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ ऑफ 2012। तो ये केस था, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आए इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी टैक्स है वो बैक डेट में टैक्स लगा रहे हैं। 2012 में जब ये टैक्स लॉ आया था तो हमारा जो 1961 का टैक्स एक्ट है उसमें उस मतलब ये हो गया था कि 2012 से पहले जो भी ऐसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर वगैरह हुए हैं कंपनीज के आपस में तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव होता है बैक डेट में जाके आप कोई टैक्स लगा देते हैं, है ना, कि पहले वाले भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। ये ऐसे टैक्स लॉ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ 2012 था। ये आया इसलिए था क्योंकि 2007 में वोडाफोन का एक डील हुआ था, CGP को अक्वायर किया था वोडाफोन ने, और ये CGP केमन आइलैंड्स कंपनी थी, और जो CGP थी इसी की कंपनी थी इंडिया में एक हचीसन एसर लिमिटेड करके। तो जो वोडाफोन था उन्होंने अक्वायर किया था CGP को, और CGP की ही कंपनी थी हचीसन, है ना। तो वो हचीसन भी इनडायरेक्टली मतलब उनकी बाय कर लिया था उन्होंने, लेकिन इंडिया को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं हुआ था, कोई टैक्स पे नहीं हुआ था, है ना। और जो इनकी डील थी बाहर थी, आउटसाइड इंडिया थी, और इंडिया से बाहर की CGP कंपनी थी केमन आइलैंड की, तो उसी को बाय किया था, है ना। और इनडायरेक्टली जो CGP के अंडरग्राउंड कंपनी थी हचीसन वो भी उनके अंदर आ गई थी, लेकिन इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। तो इश्यू यही था कि मतलब इंडिया का जो टैक्स डिपार्टमेंट था उन्होंने बोला कि ये टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, है ना, आपने जानबूझ के ये डील की है और आप टैक्स पे नहीं करना चाहते और ये टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो फिर वोडाफोन क्या हुआ, वोडाफोन चलेगी उसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के मतलब पक्ष में जजमेंट दिया कि मतलब जो भी है ये टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, टैक्स प्लानिंग थी कंपनीज की, और कंपनीज ऐसे टैक्स प्लान करती रहती हैं अपने, है ना। तो मतलब कि ये इनके फेवर में दिया वोडाफोन के कि ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स प्लानिंग है ये, और ये लोग अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए ही ऐसा डील करना चाह रहे थे, टैक्स अवॉइड करने के लिए डील नहीं थी, बिजनेस पर्पज़ वाली डील थी और टैक्स प्लानिंग थी ये, है ना, क्योंकि उन्होंने CGP को अक्वायर किया और वो मतलब इनडायरेक्टली मतलब दूसरी हचीसन भी इनके अंडर चली गई थी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट इनके फेवर में दिया तो गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लॉ पास किया 2012 वाला, है ना, कि नहीं हमें तो मतलब टैक्स अवॉइडेंस है और हम पीछे बैक डेट में अब जाके टैक्स लगा सकते हैं। तो 2012 में उस टैक्स को मतलब काफ़ी बिलियंस का मतलब नुकसान हो रहा था, है ना, तो इसलिए हमने 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ पास किया कि आपको पे करना पड़ेगा, मतलब ये फिर ये आर्बिट्रेशन कोर्ट वगैरह में चली गई। तो तब से ही मतलब ये केस चल ही रहा है 2012 से, मतलब जब से ये आया था। तो फिर इसमें ये वोडाफोन थी एंड दूसरी केरन इंडिया, केरन जो कंपनी है वो थी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, मतलब तब से एक केस चल ही रहा था एंड ये चले गए फ्रेंच, मतलब फ्रेंच में जो हमारे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के थे उनको अभी इन्होंने सीज कर लिया था ये, वो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने बोल दिया था। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, गवर्नमेंट इतना लंबा टाइम हो गया था इसको, तो अब नलीफाई कर दिया कि ठीक है भाई जो भी टैक्स लॉ 2012 में पास किया था हमने रेट्रोस्पेक्टिव, वो कोई टैक्स वगैरह अब नहीं लगेंगे, है ना। और उस टाइम अगर हमने तुम्हारे पैसे मतलब विद होल्ड कर लिए थे तो उस पर इंटरेस्ट तो हम पे नहीं करेंगे और जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो हम पे बैक कर देंगे, है ना, अगर किसी का हमने पैसा लिया है तो इसको सेटलमेंट करते हैं, मतलब बिजनेस हमारा ईजी होगा क्योंकि कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था, उल्टा हमारा तो नुकसान ही हो गया, और जो केस है उनकी आपको पता ही इतनी हाई कॉस्ट होती है, तो मतलब कोई हुआ नहीं इसको सेटल डाउन करने और बिजनेस को सही करने के लिए, सो दैट की कंपनी जाके इंडिया में इन्वेस्ट करें ना इतना टाइम से। और केस में भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, मेन चीज़ तो यही थी कि इतने का था और इतना टाइम से हम ड्रैग किए जा रहे हैं और अपना कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब इशू ये भी था कि इंडिया की सॉवरेनिटी का था इशू कि भाई हम टैक्स लगाना तो हमारा ही सॉवरेन वो है ना अधिकार है, तो मतलब ऐसे कैसे मतलब कंपनीज, लेकिन वही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फेवर में दिया था उस टाइम पे कि ये टैक्स प्लानिंग थी और टैक्स अवॉइडेंस नहीं थी, तो हमें कैसे ना कैसे अब बैक आउट करना पड़ा थोड़ा सा जो भी है, है ना, क्योंकि इसका कोई और शॉर्टकट था, मतलब शॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा था ना ये मैटर, तो इसलिए ये पूरा केस था मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ का। तो इसमें टैक्स अवॉइडेंस होती है, टैक्स मतलब प्लानिंग होती है, टैक्स अवॉइड करते हैं कि हम जानबूझ के टैक्स पे नहीं करना चाहते, है ना, एंड टैक्स प्लानिंग होती है आपको लग रहा है कि हाँ ये उसका मतलब सब्सटेंस सही होता है, टैक्स प्लानिंग में आपका सब्सटेंस में कोई गलती नहीं होती,
मतलब आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे होते, अवॉइड नहीं करना चाह रहे होते, मतलब आप लीगल लीगल जो हम प्लानिंग करते हैं ना, टैक्स प्लानिंग होती है, लीगली आप सही हो उसमें, और अवॉइडेंस होते हैं मतलब जानबूझ के, मतलब यही कि आप कोई लूप होल ढूंढोगे, लॉ में है नहीं ये शॉर्टकट ढूंढोगे या जो भी है। एंड सेकेंड सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं अब अपनी। सेकेंड ये है नो ई वे बिल, है ना। अगर आपने मतलब अभी जीएसटी नेटवर्क ने बोला है कि अगर किसी ने जीएसटी फाइल नहीं किया है 15 अगस्त तक, अगर जीएसटी फाइल नहीं किया है तो आपको ई वे बिल इशू नहीं होगा पोर्टल पे जाके, है ना। तो जैसे ये दो या दो से अधिक GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, या स्टेटमेंट है GST CMP 08, ये फॉर्म वगैरह हैं, तो अगर आपने ये फाइल नहीं किया है पिछले 2 महीने से या फिर पिछले क्वार्टर से, तो जीएसटी फाइल नहीं किया है, तो आपको मतलब पोर्टल पे जाके ये ई वे बिल जनरेट करना होता है, तो आपको इशू नहीं होगी 15 अगस्त के बाद। तो 15 अगस्त से पहले जाके अपने जीएसटी रिटर्न जिसने फाइल नहीं किए हैं वो अपना फाइल कर लें। तो जीएसटी नेटवर्क देखते हैं एग्जाम के लिए हमारे, यही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी नेटवर्क है ये 2013 में आई थी वैसे, कंपनी है ये जीएसटी नेटवर्क क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड है। और ये जो है ये सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक तरह से प्राइवेट कंपनी है ये। इसको ये क्या करती है, जीएसटी नेटवर्क पूरा का पूरा, GSTN बोल देते हैं शॉर्ट में, ये पूरा का पूरा हमारा जो जीएसटी इको सिस्टम है, जीएसटी वाला जो पोर्टल है उसको हैंडल करती है पूरा, एंटायर उसका इको सिस्टम, उसका जीएसटी पोर्टल, जिसमें सारी सर्विसेज रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा का पूरा टैक्स फाइल करना है, जितना भी वहाँ पे पूरा का पूरा है वो सारा मतलब जीएसटी मतलब जो पोर्टल है पूरा का पूरा इसी जीएसटी नेटवर्क हैंडल करती है। और इसमें शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग है 51% एंड गवर्नमेंट की है 49%, मतलब मेजोरिटी है प्राइवेट प्लेयर्स की, गवर्नमेंट की 49% है। और गवर्नमेंट की 49% है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का है, आधा आधा है, 24.5 है सेंटर, 24.5 है स्टेट्स का। और 51% जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसमें प्राइवेट बैंक्स हैं, है ना, HDFC है, HDFC का ये दूसरा कौन सी ब्रांच है ये ऐसे है, एंड ICIC है, NSE जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है, LIC का हाउसिंग फिनेंस है, मतलब ये बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं और बाकी। और इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है GSTN की वो है 10 करोड़, और इसको टेक्नोलॉजिकल बैकएंड है, मतलब 2015 से इसको जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प होती है इन्फोसिस देखता है। एंड इसमें यही जो GST नेटवर्क है ये ट्रस्टेड नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में आता है ना, कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना इसके ऊपर, तो सबके टैक्स प्लानिंग वगैरह की, तो ये देखता है, हैंडल करता है जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस वगैरह हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर वो सारी सिक्योर रहे, और एक्सपेंसेस जो होते हैं यूजर चार्जेस वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेंटर और स्टेट देखते हैं, है ना, कस्टमर्स में नहीं जाता उनको, 50% सेंटर 50% स्टेट, ये यूजर चार्जेस को अपना एक्सपेंस हैंडल कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो ये अपना पूरा GST नेटवर्क है। एंड इसको क्या था कि ये हमने देखा 51% प्राइवेट प्लेयर्स हैं, 49% गवर्नमेंट है, और हमारा जो डेटा होता है इसके ऊपर वो सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, अप्रूव कर दिया है 100% ओनरशिप के लिए, कि गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा ये, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स उनको एक तरह से हटा दें, तो इसमें 50% सेंटर का हो जाएगा, फिर 50% स्टेट का हो गया। लेकिन शायद ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मुझे इस वेबसाइट पे भी मिला नहीं ऐसे कुछ अभी, मतलब पुराने वाला डेटा शो कर रहा है GST नेटवर्क की अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो। लेकिन ये अप्रूव कर दिया था 100% ओनरशिप के लिए। GSTIN क्या है ये भी देख लेते हैं इसी में है। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो IAD हुआ है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, ये एक यूनिक नंबर होता है, जो भी टैक्स पेयर होता है जो मतलब इस पोर्टल पर जाके अपना आपको रजिस्टर करता है, तो उसको एक अलग से यूनिक नंबर मिलता है ना, जैसे हमारा पैन, और ये जो यूनिक नंबर होता है वो पैन नंबर से जनरेट होता है ना, हर एक का पैन नंबर होता है, अलग अलग होता है, तो ऐसे ही GSTIN एक यूनिक नंबर है जो GST फाइल करने के लिए ही होता है। एंड ये अपनी GST नेटवर्क 2013 में आई थी, एंड मतलब कि ये नॉन प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनी है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, और अभी तो शेयर होल्डिंग 51% प्राइवेट प्लेयर्स हैं और गवर्नमेंट 49% है, बट इनकेस फर्दर मतलब 100% गवर्नमेंट ही हो सकती है, और GST इकोसिस्टम को पूरा ये हैंडल करती है, एंड इसी में GSTIN भी है जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। न्यूज़ पे चलते हैं अपनी थर्ड वाली पे। थर्ड है फ्लिपकार्ट की, एंड जो इसके फाउंडर्स हैं उनको मतलब फाइन हो सकता है अभी $1.35 बिलियन का, क्यों, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बोला है। तो जो फ्लिपकार्ट है इसमें अभी वॉलमार्ट ने भी इसको बाय कर लिया था, काफ़ी शेयर्स इसके बाय किए हैं, और इसके फाउंडर्स हैं, इनको बोला गया है कि ये थोड़ा पुराना केस है 2009 to 2015 ऐसे कुछ, कि इन लोगों ने वॉयलेट किया है, जो इंडिया में जब किसी को इन्वेस्ट करना होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लॉज हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के, उनको बाईपास किया है, उनको वॉयलेट किया है, है ना, मतलब जैसे होता है ना जो भी मल्टी ब्रांड रिटेल से रिलेटेड लॉज हैं, या फिर आप जो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें होता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप
इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं, मतलब खुद का जो ब्रांड होता है उसको आप प्रोमोट नहीं कर सकते। कई बार होता है ना मोस्टली पे इन पे लगता है कि आप लोग अपना ब्रांड ज़्यादा मतलब ऊपर ऊपर शो करते हैं ना, खुद का जो ब्रांड होता है दूसरे ब्रांड नीचे रह जाते हैं ऐसे, मतलब अपना आप ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पे मतलब चल ही रहा है केस, मतलब इन्होंने वॉयलेट किया है जो भी रूल्स हैं, जो भी है ना मल्टी ब्रांड से रिलेटेड या दूसरा, क्योंकि इनको तो बोला गया है कि आप एक मार्केट प्लेस में एक प्लेटफॉर्म हो, सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से कि आप उसी को शो कर रहे हो बार बार इस टाइप का। तो जो भी इसमें कुछ थे मतलब और भी कुछ होंगे है ना, तो उनको वायलेट करने के बेसिस पे फाइन की बात चल रही है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देख लेते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो वही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है ना। और ये क्या है, ये अपना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ना। तो जो भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो लॉज होते हैं या इकोनॉमिक क्राइम्स वगैरह होते हैं वो सब देखती है ये, है ना, उनको एनफोर्स करवाती है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रख लेना है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी और उस टाइम पे इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, है ना। तो 56 में आई थी ये। एंड ये कौन कौन सी एक्ट के अंदर आता है, मतलब ये एनफोर्स करवाती है, दो एक्ट हैं पहले तो, है ना। तो फेमा एक्ट है 1999 का, फेमा को मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999, एंड PMLA एक्ट है 2002 का ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002। तो ये जो फेमा एंड PMLA एक्ट है उन दोनों को देखती है, इसमें जो प्रोविजंस होते हैं उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देखती है। एंड अभी 2018 में हम एक नया एक्ट लेकर आए हैं, उसकी प्रोसेसिंग वाले केस जो होते हैं वो भी देखती है, वो फुगिटिव वाला, जो फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। मतलब जो भी मतलब ऐसे जो लोग होते हैं यहाँ इंडिया में फ्रॉड करके बाहर भाग जाते हैं, है ना, जैसे विजय माल्या ये सब, इनका जो केसेस हुए थे इनके बाद ये हम एक्ट लेकर आए हैं, यहाँ पे जो भी फ्रॉड किया और भाग गए बाहर, उसके प्रोसेसिंग उन केस से रिलेटेड फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लेकर आए थे, तो इसका प्रोसेसिंग वाला केस भी देखती है ईडी, है ना। तो ईडी फेमा और PMLA तो इसके अंदर आते ही हैं, दूसरा इसकी प्रोसेसिंग देखती है फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 की। एंड 1956 में आई थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। और जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं, है ना, फाइनेंस से इकोनॉमी से रिलेटेड, उनके इन्फोर्समेंट एजेंसी है पूरी की पूरी ईडी। ओके, यही था इसमें। और जीएसटी नेटवर्क हमने देख लिया पहले, तो आज हम तीन न्यूज़ थी हमारी, तीनों हो गई हमारी, जीएसटी नेटवर्क हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया। एंड थैंक यू सो मच।